टैली में कंपनी का मतलब है कोई भी अकाउंटिंग एंटिटी जिसका अलग से अकाउंट, सेपरेट अकाउंट रखते हैं इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब कोई भी, मान लो टैली कंपनी का मतलब पर्सनल अकाउंट्स हो सकता है, बिजनेस अकाउंट्स हो सकता है, कोई भी तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है और दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, सारी वो हम कंपनी बोल के ही जानेंगे टैली में। नॉर्मली अलग अलग फिनेंशियल ईयर का अलग अलग सेट ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, अलग फाइल बनाते हैं, जैसे अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। हर साल का फिनेंशियल ईयर का अगर अलग अलग मेंटेन कर रहे हैं तो वो एक एक कंपनी हो जाएगी। मतलब हमारा एबीसी एक एंड कंपनी एक कंपनी है, उसका 2021 का कंपनी अलग होगा, 2021-22 का कंपनी अलग होगा, वैसे ही दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के हर फिनेंशियल ईयर की कंपनी अलग होगी, अलग टैली कंपनी बना जाए बोल जाएगी। और कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर दूसरे ब्रांचेस के अकाउंट्स अलग रखते हैं, मतलब ब्रांच अपना अकाउंट्स रखे, हेड ऑफिस अलग रखे, या सेल्स ऑफिस अलग अकाउंट्स रखे, कोई डिलीवरी सेंटर अलग अपना अकाउंट्स रखे, तो उसे भी हम कंपनी कहेंगे। उसे पहचानने के लिए हम फिनेंशियल ईयर और जो ब्रांच का नाम है वो भी कंपनी नाम के साथ में लिखेंगे, ताकि हम पहचान सके ये कौन से ईयर का किस ब्रांच का है। नई कंपनी क्रिएट करने के लिए के कंपनी टैब से क्रिएट सिलेक्ट करें, या डिफ़ॉल्ट फोल्डर की लिस्ट में क्रिएट कंपनी क्लिक करें तो कंपनी क्रिएशन स्क्रीन मिलेगा। कंपनी डाटा पाथ, कंपनी डाटा पाथ में डिफ़ॉल्ट डाटा पाथ अगर सेट किया हुआ है तो वो दिखाई देगा आपको। अगर नई कंपनी उसी डाटा पाथ में क्रिएट करना है तो एंटर प्रेस कीजिए। अगर कंपनी और कोई डाटा पाथ में, कंपनी डाटा और कोई डाटा पाथ में स्टोर करना है तो आप स्पेसिफाई पाथ सिलेक्ट कर वो पाथ एंट्री कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, या सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से फिर ड्राइव और उसके बाद में सक्सेसिवली उस पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो पाथ सेट करेंगे उसी पाथ में ये कंपनी जो क्रिएट कर रहे हैं उसी पाथ में उसका डाटा स्टोर होगा। सबसे पहले नेम फील्ड में कंपनी कंपनी नेम एंट्री करें, टैली कंपनी नेम एंट्री करें। जैसे अगर ईयर है तो ईयर भी ऐड कीजिए, ब्रांच है तो ब्रांच का नाम भी ऐड कीजिए। तो जैसे एबीसी कंपनी 2021 या एबीसी कंपनी पटना ब्रांच 2021 ऐसे जोड़े, ताकि आप सही पहचान सकें। मेलिंग नेम, अगला फील्ड मेलिंग नेम पर जो नाम आप कंपनी नेम में एंट्री किए हैं वो अपने आप कैरी होगा, लेकिन आप उसे अगर आपने एडिशनल वर्ड्स दिए हैं कंपनी नेम में, जैसे 2021 फिनेंशियल ईयर के या ब्रांच का नाम पटना ब्रांच, ये सब अगर दिए हैं तो उसे आप रिमूव कर दे, डिलीट कर दे। यहाँ कंपनी का लीगल नेम ही रहेगा जो कि आप बिल वगैरह में, रिसीट में, मतलब बाहर के डॉक्यूमेंट में आप प्रिंट करेंगे, चेक में प्रिंट करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा वर्ड्स जो है वो हटा दीजिए, वो कंपनी के नेम में रहेगा, ताकि आप कंपनी सिलेक्ट करते वक्त आप ठीक से उसे पहचान सकें। फिनेंशियल ईयर फ्रॉम, ऊपर डाइनर साइड में फिनेंशियल ईयर का स्टार्ट डेट एंट्री करें। आमतौर पर आप पूरा फिनेंशियल ईयर का खाता अकाउंट्स तैयार करते हैं, इसीलिए शुरू में फिनेंशियल ईयर डेट स्टार्ट एंट्री करें। जैसे 1 अप्रैल, टैली शुरू में फिनेंशियल ईयर का एक साल का फुल फिनेंशियल ईयर अपने आप क्रिएट करेगा। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में जो डेट आप एंट्री किए हैं बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में भी वो डेट कैरी होगा। अगर आप पूरा साल का अकाउंट्स स्टार्ट से, फिनेंशियल ईयर स्टार्टिंग डेट से क्रिएट एंट्री कर रहे हैं, मेंटेन करेंगे, तो ये दोनों डेट एक ही होगा, जो कैरी डेट है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप ईयर के बीच से टैली में अकाउंट स्टार्ट करते हैं, मतलब से सितंबर तक, अप्रैल से मार्च का ईयर है लेकिन सितंबर से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो अप्रैल से
अगस्त तक का एंट्री आप मैन्युअली करिए या और कोई सिस्टम से करें, और उसका जो लेजर का बैलेंसेस है वो यहाँ एंट्री करें, तो इसका मतलब आधा अकाउंट्स आपका मैनुअल रहेगा और बाकी या दूसरे सिस्टम में रहेगा, और बाकी का सितंबर से जो डेटा पूरा देंगे और वहाँ से आप अकाउंट स्टार्ट करें। इस केस में बुक्स बिगिनिंग डेट में आप सितंबर या जिस डेट से ईयर के बीच से जिस डेट से स्टार्ट कर रहे हैं वो डेट देंगे। यहाँ स्क्रीन में मैं कंपनी नेम, उसके मेलिंग नेम, फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का कई एग्जाम्पल दिए हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आप ईयर भी एनेक्स कर सकते हैं नाम के साथ में, और ब्रांचेस एनेक्स कर सकते हैं ताकि आप कंपनी ठीक से पहचान सकते हैं, और फिनेंशियल बिगिनिंग में कैसे आप डेट दे सकते हैं। अगर आपका कैलेंडर ईयर का फिनेंशियल ईयर है 1 जनवरी से या कोई भी डेट से, मान ले दिवाली से, तो जिस दिन से आपका फिनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है वो डेट फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में दे, और बुक्स बिगिनिंग अकॉर्डिंग दे। फिनेंशियल ईयर के बीच से अगर स्टार्ट करते हैं तभी बुक्स बिगिनिंग में आपको एंट्री करना होगा, अदरवाइज फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम का डेट बुक्स बिगिनिंग में कैरी हो जाएगा और आपको उसे चेंज नहीं करना है। अब आपके कंपनी क्रिएशन की एसेंशियल डेटा, मतलब कम से कम जो डेटा जरूरी है कंपनी क्रिएशन के लिए, वो खत्म हो गया। बाकी फील्ड सिंपल है, चाहे आप अभी एंट्री कर सकते हैं या बाद में डेट कंपनी ऑल्टरेशन से उसे एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको तुरंत आगे बढ़ना है तो डेटा यहीं सेव कर सकते हैं। कंपनी का जो डाटा आप एंट्री किए हैं उसे सेव करने के लिए या तो ऑल्ट ए प्रेस करें तो डेटा सेव हो जाएगा, या फिर एंटर प्रेस करते करते लास्ट में आए और आपको एक्सेप्ट येस और नो का एक प्रॉम्प्ट दिखेगा, वहाँ येस क्लिक करें। एक नई कंपनी क्रिएट हो गई और उसका डाटा उस फोल्डर में सेव हो गया। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। घर बैठे टैली का प्रोजेक्ट पर रेगुलर काम कर पैसा कमाने के लिए हमें ईमेल करें, हम आपसे संपर्क करेंगे। अपडेटेड इन्फो के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। ब्लॉग, ई बुक, ऑडियो, वीडियो, फ्री ट्रेनिंग, टेस्ट, प्रोजेक्ट वर्क और जॉब के लिए हमारे वेबसाइट dvidya.com/tallyprime जरूर विजिट करें।